नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। यार इस वीडियो में मैं आप लोग को ब्रिटेन की महारानी जो अभी जिनका निधन हो गया है 8 सितंबर 2022 को, उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी लेके आया हूँ। उनकी जो बायोग्राफी इतनी जटिल इतनी मस्त है कि यार उसके एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं उनके उसके लिए एक सेपरेट का भी वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी लंबी पूरी फुल एक्सप्लेन करके कि उनका जीवन कैसा था। फिलहाल आज मैं एक शॉर्ट बायोग्राफी लेके आया हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और भी ऑसम कंटेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महारानी एलिजाबेथ टू की बायोग्राफी। महारानी एलिजाबेथ टू का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, लंदन में हुआ था। जिनके फादर का नाम किंग जॉर्ज सिक्स था, मतलब उनके जो छठे राजा थे जिनको जॉर्ज का नाम दिया था। बाकी जितने भी थे जॉर्ज फाइव, जॉर्ज फोर, जॉर्ज थ्री, उन्हीं में से जो महारानी थी उनकी उनके फादर का नाम था जॉर्ज सिक्स और उनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ बॉयस लियोन। महारानी अपने मम्मी के अपने माँ के नाम से ही अपना राज्य जो भी राज्य शासन है वो चलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का ही नाम रखा, इसलिए उनको एलिजाबेथ टू बोलते हैं। और उनकी माँ जो थी वो थी एलिजाबेथ वन, उनके पहले वही रानी थी पूरे ब्रिटिश राज्य की। अब बात करते हैं उनके थोड़े अर्ली लाइफ में। दोस्तों अर्ली लाइफ में क्या हुआ कि वो कभी स्कूल नहीं गई पढ़ने के लिए, जैसे हम लोग जाते हैं ना स्कूल जाते हैं बच्चे नर्सरी क्लास जाते हैं, जो महारानी थी वो कभी स्कूल नहीं गई, उनको घर पर ही पढ़ाया गया एक पर्सनल ट्यूटर के द्वारा। जो पर्सनल ट्यूटर था वो उनको फ्रेंच, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री पढ़ाता था, साथ ही के साथ वो डांसिंग और सिंगिंग भी सीखती थी। आर्ट्स भी उन्होंने पढ़ा, मतलब जो ड्राइंग वगैरह होती है आर्ट्स भी उन्होंने जितनी भी अपनी पढ़ाई की सब घर पे ही की। जैसा कि हम सभी को पता है 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से महारानी को ज़्यादातर लंदन से बाहर रहना पड़ा। और 1940 में क्या हुआ कि कई लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया ब्रिटेन में। तो महारानी ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने काल्म और मतलब शांत और दृढ़ पर्सनैलिटी को शो करते हुए सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। लोगों को दिलासा देते हुए उन लोगों से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है। मतलब अब उनको दिलासा देते हुए उनको हौसला बढ़ाते हुए पहली बार सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया। अब बात करते हैं महारानी की शादी की। 20 नवंबर 1947 में महारानी ने लंदन में शादी की अपने एक दूर के कज़न फिलिप से, प्रिंस फिलिप से। महारानी उनसे जस्ट 13 साल की उम्र में मिली थी और धीरे धीरे करके दोनों में प्यार हो गया। और फिर बाद में 1900 जैसा कि मैंने अभी डेट बताया 20 नवंबर 1947 को उन्होंने शादी कर ली। और जो प्रिंस थे उनकी जो डेथ अभी पिछले साल ही हुई थी 9 अप्रैल 2021 में, जब उनकी उम्र 99 साल हो गई थी, मतलब जस्ट 100 साल कंप्लीट होने में एक साल रह गया था जब उनकी डेथ हो गई। और उनकी शादी के जस्ट अगले साल ही उनका पहले बच्चा चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स ने जन्म लिया सन 1948 में। और उसी के दो साल बाद उनकी जो पहली डॉटर एनी का जन्म हुआ 1950 में। उनके बाद महारानी के दो और बेटे हुए, जिनका एक का नाम था एंड्रयू जिनका जन्म 1960 में हुआ, और जो उनके चौथे बेटे थे उनका नाम था एडवर्ड, उनका जन्म 1964 में हुआ। और 1969 में जाके महारानी ने अपने सबसे बड़े बेटे चार्ल्स को, प्रिंस चार्ल्स को उनका अधिपति बनाया, मतलब जो और महारानी के बाद वही बनेंगे राजा अपने ब्रिटेन राज्य के। खैर ये तो उनके परिवार की थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं उनके राज्य तिलक की, मतलब कोरोनेशन की। जब उनका राज्य तिलक हुआ उनको महारानी बनाया गया। तो जो जो अपनी रानी थी जो प्रिंस एलिजाबेथ टू थी वो रानी बनी 6 फरवरी 1952 को, मतलब 6 फरवरी 1952 को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो रानी है। और उनको जो अगले साल 2 जून 1953 में उनके सर पे ताज पहनाया गया। और ये फर्स्ट सेरेमनी थी, मतलब ये पहला राज्य तिलक था जिसको टीवी पर टेलीविज़न पे लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिससे सभी लोग ब्रिटेन के साथ साथ बाकी देशों के भी लोग देख सके और विटनेस हो जाए कि हाँ अब हमारी ऑफिशियल महारानी एलिजाबेथ टू बन चुकी है।
महारानी बनने के बाद इन्होंने काफी लंबा राज्य किया, लगभग 70 साल तक इन्होंने राज्य किया, और 70 साल के बाद फाइनली इनकी उम्र 96 हो गई थी, 96 साल की हो गई थी जब इनका निधन हो गया 8 सितंबर 2022 को। वैसे तो बहुत कुछ है यार महारानी के बारे में बताने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी छोटी सी बायोग्राफी अच्छी लगी हो, मतलब मेरी नहीं महारानी की छोटी सी बायोग्राफी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे और भी ऑसम कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।